clinicians, like just like modern human. तो कॉकरेन रिव्यू इज़ अगर आपने कॉकरेन रिव्यू कॉकरेन गूगल करें तो कॉकरेन लाइब्रेरी खुल जाएगी एंड यू विल हैव एन एक्सेस टू द सिस्टमैटिक अप्रोच इन मेटा एनालिसिस ऑफ मोस्ट टॉपिक्स रिलेटेड टू उसमें सारा लिटरेचर रिव्यू होगा लेकिन स्टिल दैट इज़ एक्चुअली द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर जस्ट अ सिस्टमैटिक रिपोर्ट बट इट हैज़ नॉट बीन असेस्ड एंड क्रिटिकली एनालाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो देन दे फॉर्म यूरोपियन ग्लूकोमा सोसाइटी वर्ल्ड ग्लूकोमा सोसाइटी रॉयल कॉलेज ऑफ गाइडलाइंस एंड पाकिस्तान ग्लूकोमा एसोसिएशन सो दीज आर द एक्सपर्ट्स दे गो थ्रू ऑल द पब्लिश लिटरेचर देन दे एड देयर कल्चरल एंड सोसाइटियल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स टू एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन्स एंड ऑल दीज कल्चरल इशूज टू those recommendations and come up with new recommendations wo us alake ka us society ka highest form of evidence hai jo what I'm going to discuss with you today is the management of angle closure I'm not going to go into pilocarpine diamox is tarah ki baatein maine nahi karni so these are the clinical guidelines by Royal College of Ophthalmologists aur inko likhne wale wahi hain Paul Foster aur David Friedman these are the people who ran the Eagle trial and who did the zap trial so those ran unhone trial banaye unhone hi recommendations likhi so there is an element of bias there so they are going to tell what their trials say so but still this is a very royal college of ophthalmologists ki guideline likh le guidelines royal college of ophthalmologists angle closure to ye aa jayegi it's a 44 page document humne dala hai youtube page ha ji this is a very very good document Lekin still, is it applicable to Pakistan? Is it applicable to everyone in Europe or England? Ye cheeze hum aaj dekhenge. So before I start, narrow angles ki na, it's a simple si classification hai. Ke bhai, jaise pehle humne kiya tha ke bhai, occludable angle jo hai, at least 180 degree or two quadrant. Agar iridotrabecular contact hai, to usko hum occludable contact kehte hain. Agar aap ke sirf angle half of the angle is occluded, blocked hai, grade 2 hai. और प्रेशर्स लेकिन नॉर्मल हैं और कोई ग्लूकोमा नहीं है तो वो नैरो एंगल सस्पेक्ट कहते हैं उसको हम लेकिन ऐसे ही लोग जिनके टू या टू से ज़्यादा कॉर्डन्स क्लोज्ड हैं लेकिन उनका प्रेशर ज़्यादा हो जाए या उनको पेरिफेरल एंटीरियर साइनिक्स नज़र आ जाएं उनमें लेकिन ऑप्टिक नर्व स्टिल हेल्दी हो तो उसको नैरो एंगल डिजीज़ कहते हैं और जब इन कंडीशंस के साथ ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो देन वी कॉल इट एज नैरो एंगल ग्लूकोमा So this is how you need to move on in class, and this is how we will discuss things now. So, इसके साथ पे ये जो document आपको show किया, उन्होंने कहा जी कि भाई ठीक है आपने हर चीज़ को define कर ली, लेकिन इसके साथ आप plus डालें, क्योंकि not every patient is the same. अगर ऐसा कोई patient है जिसकी only eye है, आप उसके पर risk ही नहीं ले सकते, आप उसको कहें जी ये narrow angle suspect with plus disease. अगर कोई diabetic patient है जिसने हर साल screening के लिए pupil dilate करना है फार्माकोलॉजिकल वो ही इज़ एट रिस्क चाहे वो वैसे उसका रिस्क हाई हो ना हो लेकिन हर दफ़ा तो आप ड्रॉप्स डाल रहे हैं ना तो आप उसको प्लस कह दें जिसकी फैमिली हिस्ट्री सिर्फ ओपन एंगल ग्लूकोमा में नहीं इंपॉर्टेंट क्लोज एंगल ग्लूकोमा एंड जेनेटिक्स दे आर वेरी मच स्टडीज टॉपिक दे आर क्लोज एसोसिएशन ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर विच रन इन फैमिलीज और कोई हाइपर मेट्रोपिया नैन ऑफ तालमेक यानी या कोई ऐसी दवाइयों पे एंटी डिप्रेसेंट्स पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स माइग्रेन्स एंटी माइग्रेन टैबलेट्स एंटी एलर्जिक टैबलेट्स एस्मा पफर्स ये जो इस तरह की दवाइयों के ऊपर हैं दे अगेन आर एट रिस्क ऑफ हैविंग सडन एंगल क्लोजर सो चाहे उनकी आँख देखने के बाद आप कहें जी कि ये बंदा लो रिस्क है लेकिन चूंकि उनकी जनरल हिस्ट्री सजेस्ट कर रही है कि दे हाई रिस्क तो आप उनके साथ प्लस लगा दें ठीक है तो ये तो बात थी क्लासिफिकेशन की तो इससे पहले कि मैं एंगल के अंदर डिटेल में जाऊं तो दीज आर द फोर जबरदस्त रिसर्च बाय एन इंडियन ऑथर तो दीज आर द फोर हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क इसमें जो चीज़ें देखने वाली हैं कि जो हेल्दी ट्रेबिकुलर मेशवर्क यू कैन सी द बीम्स एंड यू कैन सी ओकेजनल स्पार्स सेल्स देयर लेकिन ये जो इट्स नॉट क्लियरली रिटन सो व्हाट इट इज सेइंग इज दैट दिस इज द प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा विद प्रेशर ऑफ 36 तो इसमें क्या हुआ कि यही बीम्स यू कैन सी लेस ऑफ दीज बीम्स और जो नज़र आ रही हैं ये बीम्स दे आर कवर्ड बाय अ ग्लिसनिंग सरफेस ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स तो जिसकी वजह से जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क के इंटर ट्रेबिकुलर एरियाज हैं दे आर ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड और कुछ
जो बीम्स हैं कुछ तो कवर्ड हैं और बाकी बीम्स आर डिस्टोर्टेड. सो द आर्किटेक्चर ऑफ एंगल क्लोजर इज डिस्टोर्टेड व्हेन द प्राइमरी दिस इज एंगल क्लोजर विथ प्रेशर ऑफ 36. लेकिन अगर यही इसी तरह के पेशेंट इफ इज प्रेशर ऑफ 56, ये तो 36 था ना, अब 56 पर चले जाएं तो कंप्लीट आर्किटेक्चर लॉस हो गया. तो इसमें आप ये देखेंगे एक्यूमुलेशन, जहाँ पे एरोज दिखा रहे हैं, दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द पिगमेंट ग्रैन्यूल्स एंड ट्रैबिकुलर मेशवर्क, तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा. और उसके अगेंस्ट अगर आप प्राइमरी ओपन, ये तो एंगल क्लोजर थे ना, लेकिन अगर आप प्राइमरी ओपन एंगल देखें तो उसकी हिस्टोलॉजी भी इज लॉट डिफरेंट, इज लेस सेलुलर देन दिस, लेकिन इज नॉट एटलीस्ट डिस्टोर्टेड. तो इस हिस्टोलॉजी दिखाने का मकसद ये है कि जहाँ पे आयरिस ट्रैबिकुलर मेशवर्क को जाके लगता है, आई ई वे रिडो ट्रैबिकुलर कॉन्टैक्ट हैपन्स, उधर तो डैमेज हो ही सकता है. इट कैन हैपन, आई एम यूजिंग द वर्ड, द ट्रैबिकुलर मेशवर्क कैन गेट डैमेज ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट रबिंग, कॉन्स्टेंट स्लैपिंग हो रही है, उसको ट्रामा हो रहा है, तो वहाँ तो डैमेज हो ही सकता है. ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन इट कैन हैपन. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, दिस डैमेज कैन हैपन एल्सवेयर जहाँ पे रिडो ट्रैबिकुलर कॉन्टैक्ट नहीं है. सो यू कॉन्ट रियली से कि भाई यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैबिकुलर कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये ट्रैबिकुलर मेशवर्क हेल्दी एंड फंक्शनल है. इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट. तो अब दिस इज अगेन व्हाट वी सजेस्टेड कि भाई दिस फिगर्स वर गिवन इन 2012, असल में फिगर्स आर स्लाइटली लेस इन 2024. This was a projected figures, so 2024 may we didn't hit that amount. But what it says is that although primary open angle glaucoma ke 60 million patients hain aur 20 million iske hain angle closure ke, jo ke 1/3 hai, 3 guna kam hai, lekin jo blindness hai wo almost ek jitni ka rahe hain. So angle closure jo hai is a huge amount of clinical workload jo aap logon ke paas aata hai. To ye, I'm not going to discuss this again. I'm going to, So this is a graph. अब graph जब मैं presentations में देखता हूँ ना, मेरे तो दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन I'll try to explain it to you. तो इसमें अब ये होगा कि एक trend है, यूरोप में तो ट्रेंड है, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान में भी ट्रेंड होगा कि जो एक्यूट प्रेजेंटेशन, जब मैं LRBT में सोचा था, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा दिन गुजरता होगा, हर दो तीन दिन के बाद एक एंगल क्लोजर आ जाता था अटैक का. तो यही जब मैं इंग्लैंड में SHO गया तो वहाँ भी यही था कि हर हफ्ते कोई ना कोई एंगल क्लोजर का, एक्यूट एंगल क्लोजर का पेशेंट आ जाता था. लेकिन अब टाइम गुजरता जा रहा है, बहुत थोड़ी प्रेजेंटेशन, अब महीने में एक आता है. और ये ट्रेंड सिर्फ हमने नहीं महसूस किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने महसूस किया कि जब से हमने फेको मल्सिफिकेशन शुरू की है, उसके बाद प्रेजेंटेशन प्रेवलेंस ऑफ एंगल क्लोजर कम हो गई है. तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये दिखा रहे कि जैसे जैसे फेको मल्सिफिकेशन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, एंगल क्लोजर का ट्रेंड कम होता जा रहा है. ठीक है, ये दिस इज़ अबाउट 1999 के करीब के की फिगर है. लेकिन असल में मसला ये है कि एन उसी टाइम पर जिस वक्त ये प्रेजेंटेशन हुई है, एक और भी प्रेजेंटेशन हुई, उसमें ये दिखाया कि भई इस टाइम पे पेरिफेरल आयरिडोटमी का भी रेट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उस वक्त जैग इंट्रोड्यूस हो गई 1999 में. इट वाज क्वाइट कॉमन टू हैव जैग इन ऑलमोस्ट एवरी क्लिनिक. तो अब वो कहते हैं कि या तो ये कैटरिक सर्जरी से एंगल एक्यूट एंगल क्लोजर की प्रेजेंटेशन कम हो रही है, या आप जैग PI करें इसकी वजह से कम हो रही है. किसकी वजह से कम हो रही है? तो ये इसका किसी के पास कोई सॉलिड आंसर नहीं था. तो देन दिस इज़ अ स्कॉटिश स्टडी. तो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिखाया. इन्होंने ये आपको दिखाया कि भाई जो इसमें सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन, दिस इज द एक्यूट अटैक ऑफ एंगल क्लोजर. ये सॉलिड लाइन, जो ये लाइन है, दैट इज़ द YAG PI लाइन. तो ये कितना वर्कलोड इंग्लैंड में, पूरे स्कॉटलैंड में एंड इंग्लैंड में ये वर्कलोड चल रहा था. ठीक है, तो आप ये देखें कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इन दोनों में, दे आर गोइंग हैंड इन हैंड. YAG PI से एंगल क्लोजर के अटैक कम नहीं हो रहा. लेकिन व्हाट यू कैन सी इज दैट द फेको मल्सिफिकेशन रेट इज हाइंग, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग डाउन. सो ओनली राइट एट द एंड
इधर जाके जब यैक पीआई बहुत ज़्यादा कॉमन होगी 1990 के बाद, जब यैक पीआई का रेट बढ़ा, लेकिन उससे पहले भी ये ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था जबकि कैटरेक सर्जरी का ट्रेंड ऊपर जा रहा था. सो इट्स एक्चुअली द कैटरेक सर्जरी विच इज़ प्रिवेंटिंग एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ एंगल क्लोजर. इज दैट क्लियर? तो इसके साथ, इस जनरल बैकग्राउंड के साथ, फिर वी कम टू दिस थिंग, ज़ैप ट्रायल एंड ईगल ट्रायल. अब जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये जो जॉन पॉल फॉस्टर और ये गज़गज़ार्ड, ये सारे जो हैं जिन्होंने ज़ैप एंड ईगल ट्रायल लिखा, और डेविड फ्रीमैन डिज़ाइन किया, दे टुक हिम देम अबाउट 10 इयर्स टू डिज़ाइन. सो उन्होंने कहा कि हम, वी नीड टू एड्रेस दीज थिंग्स. सिर्फ वो एक पेपर के ऊपर से, तो इट्स अ वेरी पुअर फॉर्म ऑफ एविडेंस. जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, दैट्स ओनली कैटेगरी 3 एविडेंस, इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, नॉट एन आरसीटी. तो टू प्रूव कि भाई कैटरेक सर्जरी इज द रियल बेनिफिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एंगल क्लोजर अटैक, दे वॉन्ट टू डू सम ट्रायल्स जो कि लेवल 1 एविडेंस हो, हाई लेवल एविडेंस हो. तो जो ज़ैप ट्रायल है, दैट ओनली डील्स विद नैरो एंगल्स, और वो आई विल कम इन टू डिटेल्स. और ईगल जो है, दैट डील्स विद द एंगल क्लोजर डिजीज एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा. ज़ैप ओनली डील्स विद सस्पेक्ट्स, ईगल डील्स विद डिजीज एंड द ग्लूकोमा इटसेल्फ. हाउ, आई विल कम टू दैट. और जो की क्वेश्चन थे जो इन दोनों ट्रायल्स ने आंसर करने की कोशिश किए थे, वो ये थे कि इज़ देयर एनी बेनिफिट ऑफ यूजिंग पेरिफेरल आयरिडोटॉमी टू प्रिवेंट प्राइमरी एंगल क्लोजर डिजीज और ग्लूकोमा. दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, क्या पीआई को यूज़ करने से आप प्राइमरी एंगल क्लोजर डिजीज या ग्लूकोमा का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. एंड द सेकेंड है, इज़ फेको सेफ एंड इफेक्टिव for primary angle closure disease and primary angle closure glaucoma. So let's first discuss the EAGLE trial. EAGLE trial ka pura naam lamba choda, effectiveness of early lens extraction for the treatment of primary angle closure glaucoma. And jo ZAP hai, ZAP ka naam hai Zhongshan angle closure, ye I can never pronounce, Zhongshan angle closure prevention trial. So ye China mein ek province hai Zhongshan, ye udhar trial hua tha. So before I go into the summary of these trials, let's see 6 clinical cases. Ab ye aap sare baithe hain jo is waqt baithe hain, studios hi baithe hain. So let's see ki what is your personal opinion on each case. Then I will present you with EAGLE and ZAP, and then you take decisions again, and then I'll give my take on that. So ye jitne cases main dikhaunga, sare ke sare they are over the age of 50. ठीक है, जो ये ट्रायल्स में का डिज़ाइन था, दे इट इंक्लूडेड पेशेंट्स ओवर 50. सो ये सारे ओवर 50 हैं, सारे एंगल क्लोजर सस्पेक्ट हैं. दैट मीन्स ऑल ऑफ देम दे हैव 180 डिग्री, एटलीस्ट 180 डिग्री उनका क्लोजर है टू क्वाड्रेंट्स का. एवरीवन हैज प्रेशर ऑफ लेस देन 18, एवरीवन हैज हेल्दी डिस्क फुल फील्ड्स. यानी आपके पास आया वैन हेरिक पे नैरो था, आपने गोनियो की, उस पर भी टू क्वाड्रेंट्स क्लोज थे, लेकिन प्रेशर 16-18 है. सारे 50 ईयर्स से ऊपर हैं ये जो अब केसेस हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट केस. अब ये केस है, यूबीएम है. आप, यू कैन सी द सिलरी बॉडी, यू कैन सी द आयरिस, एंड जो स्क्लेरल स्पर है इज लाइक देयर. ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑलमोस्ट इधर होता. एक्सक्यूज मी, सो यू कैन सी इट्स एन आईटीसी. इस प्लेन के अंदर तो आईटीसी नजर आ रहा है, लेकिन 360 डिग्री देखें तो सिर्फ ओनली टू क्वाड्रेंट्स में था. Will you do YAG PI or will you do cataract surgery? In subcivision 6-6 up. Will you do YAG PI, will you do cataract surgery, or you will just wait? Jo kehte hain YAG PI hum karenge, wo haath khada karein. Aur jo kehte hain hum cataract surgery karenge 6-6 pe. Aur jo kehte hain hum sirf wait karenge, kuch bhi nahi karenge. Good. बी पॉस वाला करते गुड. सो यू कैन सी इस थोड़े से क्राउड में भी कितना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है. ठीक है, तो ये एक और है. ऑल्दो इसका यहाँ पे आपको कोई आईटीसी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको एंगल ओपन नज़र आ रहा है बहुत, लेकिन बहुत छोटी सी रिसेस है सिर्फ, लेकिन रेस्ट गोनियोस्कोपी करने से टू क्वाड्रेंट्स के क्लोज ही थे. इसमें आप यू कैन सी इट्स एन एशियन प्लेटो. एशियन प्लेटो होता है जिसका जो प्रोफाइल
प्लेटो नहीं होता। इसका देखें प्रोफाइल बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका सिर्फ ये है कि जो स्ट्रोमा है ना उसकी शेप ऐसी है कि एज सून एज द आयरिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिलरी बॉडी इट राइजेस स्ट्रेट अप एंड देन फ्लैटन्स। सो दिस इज कॉल्ड एशियन प्लेटो, इट्स नॉट रियली अ प्लेटो आयरिस। बट एनी वे विच एवर द केस इट इज यू कैन सी अ वेरी थिक आयरिस सिलरी बॉडी, और सिलरी बॉडी के जो क्या कहते हैं पोस्टीरियर वन थर्ड के ऊपर से इसका ओरिजिन हो रहा है, शैलो रिसेस है, 18 प्रेशर है, 6-6 वर्जन है। इसको आप यैक पीआई करेंगे या इसकी कैटरिक सर्जरी करेंगे या इसको ऑब्जर्व करेंगे? जो यैक पीआई कौन करेगा, कैटरिक सर्जरी कौन करेगा? वो सर्जन, वो द टॉप सर्जन है पीछे, एंड ऑब्जर्व कौन करेगा? चलें दिस इज मैं से बताऊंगा ना, नहीं मैं बताऊंगा ना सर अभी वो कहानी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक और केस है दिस, आप ये देखें कितनी डिफरेंट टाइप्स के सारे के जिनका आईटीसी है। तो इसका ये मतलब नहीं यू कैन सारे भेड़ों भैंसों को आप इकट्ठा कर दें, एवरी एंगल क्लोजर इज़ अ डिफरेंट डिजीज़। तो यहाँ पे एंगल क्लोजर ये देखें, यहाँ पे ड्यू टू द सिस्ट, आयरिस सिस्ट है ये, इज नॉट अ सिलरी बॉडी सिस्ट और आयरिस सिस्ट। हाँ जी, इसको ये आयरिस सिस्ट है। तो ये आयरिस सिस्ट ने टेंट अप किया हुआ है इसको ऊपर, जिसकी वजह से एंगल क्लोज हुआ हुआ। तो इसकी जैक पीआई कौन करेगा? और कैटरिक सर्जरी और ऑब्जर्व कौन करेगा? अनदर जिसमें सिलरी बॉडी सिस्ट है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। मतलब बात है कि आपने, हाँ ठीक है, इस पे मैं आऊँगा। एग्जैक्टली, ये पॉइंट, ये तो मैंने समझाना था सब पॉइंट, आपने पहले ही बता दिया तो मेरा सस्पेंस खराब कर दिया सर आपने तो ये एक और एंगल क्लोजर है। तो इसमें आप ये देखें सिलरी बॉडी इज़ वेरी स्मॉल, लेंस इज़ वेरी बिग, इंटीरियर लेंस वॉल्ट हाइट इज़ वेरी हाई। इसमें यैक पीआई कौन करेगा और कैटरिक सर्जरी कौन करेगा एंड ऑब्जर्व कौन करेगा? कंसिडरिंग दिस इज स्टिल 6-6 विजन एंड प्रेशर इज लेस देन 18, कौन करेगा? कैटरिक कौन करेगा और यैक कोई नहीं, और ऑब्जर्व कौन करेगा? अच्छा, हाँ जी, अच्छा सर, आई एम वेरी हैप्पी यू रेजिंग दीज पॉइंट बिकॉज ईगल ट्रायल ट्राई टू एड्रेस दिस कि वट विल यू डू। तो अब ये एक और केस है, इसमें यू कैन सी अ वेरी थिक आयरिस, ये इस आयरिस को देखें और इस आयरिस को देखें, प्रोफाइल कितना डिफरेंट है। तो इसमें सिलरी बॉडी सीम्स टू बी स्लाइटली रोटेटेड, यू कैन सी स्लाइट कॉन्वेक्सिटी ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द आयरिस, वेरी थिक जूसी आयरिस, ये किसी हो सकता है किसी एशियन का ही हो, एंड आई टी सी है। इसको आप लेज़र करेंगे या कैटरिक सर्जरी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे? सर अगेन मसला आप सोचते रहेंगे कि क्या करें, मैं भी सोचता रहता था क्या करेंगे। तो अब लेट्स फर्स्ट गो थ्रू द बैकग्राउंड नॉलेज, ताकि हमारे पास एटलीस्ट क्लास वन एविडेंस तो आए नॉलेज का, एंड देन वी विल मेक डिसीजंस। तो जो ईगल ट्रायल था दैट वाज डन इन 30 हॉस्पिटल्स, मल्टी सेंट्रल ट्रायल था इन 5 कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स वर इन द यूके, then it was in Malaysia, China, Australia, and some in the Europe. उसको EU कहते थे, इसलिए countries नहीं गिनी उन्होंने। तो eligible patients were over the age of 50. This is why I was saying all of them, they were 50 years or older. It means none have cataract. That means all of them had 6-6-6-5 vision. And they had newly diagnosed primary angle closure with intraocular pressure of 30 millimeters of mercury or greater, or अगर प्रेशर नॉर्मल है तो एटलीस्ट ऑप्टिक नर्व हेड डैमेज था, यानी उसको क्रॉनिकली कोई स्पाइक्स होती थी जिसके से डैमेज हो चुका। ये दही बल्ले निकल रहे हैं सर। एंड पेशेंट्स वर असाइन्ड इनटू टू ग्रुप्स, एक की क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन कर दें और दूसरा जो स्टैंडर्ड केयर ग्रुप था उसके लेजर पेरिफेरल आइडियोटॉमी कर दें प्लस माइनस टॉपिकल ट्रीटमेंट। तो ये दो ग्रुप थे, या तो कैटरिक सर्जरी करें या फिर आप लेज़र पीआई प्लस माइनस मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इस ट्रायल की एक खसूसियत ये थी कि उन्होंने
क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर किया, थैंक यू वेरी मच सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर किया, उस क्वेश्चनर का नाम था AQ5D, वो एक अलग स्टोरी है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, थैंक यू वेरी मच। तो उस ट्रायल ने ये बताया कि आफ्टर 36 मंथ्स जिन लोगों की लेंस एक्सट्रैक्शन हुई थी दे वर हैप्पियर पेशेंट्स देन दोज पेशेंट्स हु हैड लेंस पी जैक पी आई। सो जो 6-6 विजन 6-5 विजन पे भी, लेकिन इस ट्रायल की खुशियत ये थी कि ओनली एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स वर ऑपरेटिंग, नो ट्रेनी, नो जूनियर सर्जन वॉज ऑपरेटिंग, ओनली सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन जो कि वेरी स्लिक इन कैटरिक सर्जरी दे डिड द कैटरिक सर्जरी, सो कॉम्प्लिकेशन रेट वॉज लो। लेकिन दो जिनकी कैटरिक सर्जरी इवन विद क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन दे वर हैप्पियर। और जब आपने आई ड्रॉप्स की तरफ देखा तो आप यू कैन सी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स अबाउट 60% ऑफ देम दे वर नॉट ऑन आई ड्रॉप्स आफ्टर दैट। इन सब के प्रेशर 30 से ज़्यादा थे कैटरिक सर्जरी के बाद, सारों के नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। और जो सिर्फ 15% थे जो 1% मेडिसिन पे, 7% 2 मेडिसिन पे, 1-2% 3 मेडिकेशन पे, और सिर्फ एक पेशेंट था जो कि स्टिल ऑन 4 मेडिसिन था आफ्टर कैटरिक सर्जरी। जबकि यैक पीआई में जो है मेजॉरिटी जो थे वो फिर भी कोई ड्रॉप्स ले ही रहे थे, जिसकी वजह से एक कहा कि पहले तो पेशेंट भी सेटिस्फाइड था, ड्रॉप्स का भी वर्कलोड कम हो गया, तो वाई यू आर नॉट डूइंग कैटरिक सर्जरी इंस्टेड ऑफ यैक पीआई। तो और उसके बाद तीसरा पॉइंट था इकोनॉमिक्स का, मतलब आपने पेशेंट भी खुश है, दवाइयाँ भी कम है, पेशेंट ने तो खुश होना है, लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या, ठीक है, गवर्नमेंट भी खुश थी। तो इसको कहते हैं क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। आई एम गोइंग टू शो यू अ 3-मिनट क्लिप, आप लोगों ने इसको बर्दाश्त करना है, लेकिन दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि हर सीनियर पोजीशन पर जो डॉक्टर हैं उनको ये आना चाहिए, प्लीज़ लगा दीजिए। तो इंग्लैंड में यह है कि जब कोई भी चीज़ 20,000 के से ऊपर चली जाए उसकी वैल्यू, तो वो गवर्नमेंट फंड करती है, क्योंकि उनके पास जो पैसे हैं वो पब्लिक पैसे हैं, जैसे ज़कात के पैसे कहते हैं। तो NHS को पहले उमर सिस्टम कहा जाता था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेसिस के ऊपर जो उन्होंने शुरू किया था कि हर किसी को ज़कात के पैसे से इलाज शुरू हो देखा जाए, तो वेलफेयर सोशल वेलफेयर, इसको पॉज करें या वॉइस ऑन करें, इसको पॉज करें। As a researcher, I am very interested in a particular area of epidemiology called health economics. Part of the goal of health economics is to work out the cost-benefit numbers for new interventions in a way that can help doctors and policymakers make the often difficult decision on which interventions to pay for and which may be too expensive for the public healthcare system to fund. I want to give you a high-level overview on how we do this. The key thing is being able to put a value on a new drug or procedure. In healthcare, we measure value as a unit called QALYs, or quality adjusted life years. One QALY is equal to living for 1 year in perfect health. So how do we work this out? Well, what we do is we look at the average person with a specific disease, and then we look at all the outcomes of that disease, both with and without the intervention that we are evaluating. For each possible outcome, we assign a probability and a utility score. The utility score is a measure of how much your quality of life would decrease with a certain outcome. For example, someone with wet macular degeneration might say that if they went blind, their quality of life would decrease by 55%. This would mean a utility score of 0.45. Using a mathematical model called a Markov model, we combine the utility scores and probabilities and other factors to determine the average benefit to someone with the disease who takes the drug which we are evaluating. We calculate that benefit over the course of the treatment and end up with the increase in QALYs caused by the drug. The next thing we do is look at the cost to society as a result of each outcome. Most obviously, we have to look at the cost of paying for the drug treatments, but then we also have to take into account the total cost of each possible outcome associated with both receiving the treatment and not receiving the treatment. For example, in eye care, we also have to consider the cost to the healthcare system if a patient went blind, including personal assistance, patient education, and continuing medical care. In this case, the blindness could have been caused by an adverse effect from the drug or through not taking the drug at all.
Once we have determined the cost, we can then calculate the cost per quality, or how much does it cost us to gain the equivalent of a year in perfect health for a patient. This cost per quality becomes a standardized metric to evaluate new interventions. The typical scenario is that a new intervention provides an improvement in either the length or quality of life, but costs money. Then health economists and doctors argue it out as to whether the government should pay for the intervention. Most governments fund things that cost less than $50,000 per quality and do not pay for others that are more costly. It is a complex analysis and we've only brushed on surface, but I hope that we've been able to give you a small glimpse into how health economists work and how their analyses help us to run our healthcare system with a reasoned approach. So this presentation is very important for senior doctors or junior doctors because you have to become a senior doctor one day. So now you can understand this slide. So when they did this EAGLE trial, they found that cataract surgery is actually cheaper than YAG-PI. Okay, cataract surgery causes £1,000 or YAG-PI causes £170. 900-800 pound ka farak hai, lekin ye 800 pound ka farak is at the time of the surgery. Aur ye sirf England ke liye applicable nahi hai ki bhai wahan to NHS paise, government paise de rahi hai, ye Pakistan ke liye bhi hai. Yahan pe jo gareeb log aapke paas aate hain, unke paas kya itne paise hote hain ke wo de saken, paise afford kar saken. Jo affordability hai, isko aapne define karna, chahe wo aapke practice, private practice mein aa raha hai, chahe wo aapke paas sarkari hospital mein aa raha hai, kahin se bhi koi fund leke aa raha hai, wo ek insaan hai jo fund leke aa raha hai, chahe zakat ka la raha hai ya apni halal ki kamai ka leke aa raha hai. Aapne justify karna hai jo aap usko treatment de rahe hain, wo kya isko wo justify karti hai is cost ko ki nahi karti, regardless of the system you are in, jo zakat pe hai, NHS pe hai, private hai, jo marzi hai. To unhone dekha jo cataract surgery ki jo cost hai over 1 year is £14,284. Aur 1000 pound unhone lagaya, lekin agar wo na lagate to itna nuksan ho jata. Aur nuksan kaise hota, agar uska angle closure ho jata. Angle closure agar ho jata to ki kafi din job se out rehta, wo hospital mein admit hota, hospital ki treatment hoti, उसके बच्चों को स्कूल जॉब करने के लिए, स्कूल का रन करने के लिए किसी को हायर करना पड़ता, उसका ख्याल करने के लिए उसके बच्चों को छुट्टी लेनी पड़ती, बच्चे छुट्टी लेके ट्रैवल करके आते, ये सारी कॉस्ट सोसाइटी को हिट करती है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो ऊपर मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं दे फील इट. तो ये एक रियल कॉस्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो इसकी कॉस्ट वॉज 14,000. इंग्लैंड में एनीथिंग लेस दैन 20,000 इज़ फंडेड. इसीलिए एक आपने कई दफ़ा खबरें में देखी होगी, सनसनीखेज खबरें कि भाई वो खातून फौत हो रही थी तो उनको कीमोथेरेपी के लिए जो ड्रग थी, सस्ती सी ड्रग थी, वो नहीं दी, लेकिन उसके बनिस्बत एक नौमलूद बच्चा जो है उसको उससे 15,000 गुना महंगी कीमोथेरेपी की ड्रग दे दी जाती है. इसलिए क्योंकि जो सोसाइटी ने जब पैसे देने हैं उसका फ़र्ज सिर्फ एक इंडिविजुअल पर नहीं होता, पूरी सोसाइटी पर होता है. कि अगर सोसाइटी ने एक नियर डेथ पर्सन के लिए ऊपर इतने पैसे खर्च दिए हैं कि वो खुद गरीब होगी और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको सेव नहीं कर सकती, तो दैट्स अनसेफ. इट्स नॉट ह्यूमेन बट इट्स नॉट जस्टिफाइड ईदर. सो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. लेकिन ये चीज़, सो पेशेंट भी खुश, दवाइयाँ भी कम, स्टेट भी खुश, तो वाई नॉट डू कैट्रिक सर्जरी. सो ये फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन शोड ग्रेटर एफिकेसी एंड वॉज मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन लेजर पेरिफ्लाइडोटॉमी एंड शुड बी कंसिडर्ड एज ऑप्शन ऑफ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. नाउ आई होप एवरी वन अंडरस्टैंड्स कि वाई दिस स्टेटमेंट वॉज मेड. समझ आ गई सबको, स्टूडेंट ट्रेनिंग स्पेशली. अब इसका करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस. देखें, जो उन्होंने पेशेंट इकट्ठे किए वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे, सारे 50 से ऊपर थे, सबको 30 मिलीमीटर प्रेशर था, सबकी जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट था, क्या कहते हैं वो 15 डेसिबल था, ये मतलब ये थे जो और सीडी रेशियो उनकी 0.9 से कम थी सबकी. और जो पेशेंट 50 से कम थे और जो 30 से कम थे वो एक्सक्लूड कर दिए. ठीक है, अब इसका मतलब है कि बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं वो 50 से यंग भी होते हैं और जो 50 से ऊपर है उनका 30 से कम भी प्रेशर होता है. मतलब ये इस गाइडलाइन स्ट्रेट अवे, ये गाइडलाइन उन लोगों पे तो लगी नहीं ना ईगल की. ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये अज्यूम कर लिया
कि भाई जो रिलेटिव पिपुलरी ब्लॉक है इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ आईओपी राइज इन एन एंगल क्लोजर. ठीक है, एक्यूट एंगल क्लोजर, जब एक्यूट एंगल क्लोजर होता है तो रिलेटिव पिपुलरी ब्लॉक ही होता है, लेकिन जब एक्यूट एंगल क्लोजर नहीं है तो क्या एंगल क्लोजर इज ड्यू टू रिलेटिव पिपुलरी ब्लॉक और इज इट ड्यू टू फेकोमॉर्फिक एलिमेंट और इज इट ड्यू टू एंटीरियर रोटेशन ऑफ सिलरी बॉडी जिसको प्लेटो आयरस कहते हैं और इज ड्यू टू मिक्स मैकेनिज्म. दे डिड नॉट क्वालिफाई दिस. जब आपने रीजन ऑफ नैरो एंगल ही क्वालिफाई नहीं किया तो आपने वो स्टडी किस चीज़ पे बना ली भाई, इतनी बड़ी गलती. तो उसके बाद है कि जब उन्होंने कहा जी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई जैसे मैंने आपको दिखाया उस क्वेश्चन ने उसे, तो अब बात यह कि इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था टू रिक्रूट, और रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया एक ये था कि इफ पेशेंट रिफ्यूजेज टू बी रिक्रूटेड फॉर इन कैटरिक सर्जरी आर्म ऑफ द स्टडी तो वो उसकी इजाज़त होगी, हम उसको रिक्रूट नहीं करेंगे. तो भाई वो बहुत सारे पेशेंट्स जिसको आपने कहा जी हम आपकी कैटरिक सर्जरी करेंगे 6-6 विजन आपकी, अगर वो कहते हैं जी मैं तो खुश हूँ, मैं दवाइयों से भी खुश हूँ, मैं अपनी विजन से भी खुश हूँ, तो मुझे मैंने नहीं जाना कैटरिक सर्जरी की आर्म की तरफ. उन्होंने हालांकि ब्लाइंडली करना था लेकिन वो कहते हैं जी मैं खुश हूँ, मैंने नहीं करना, मैं आई डू नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट. तो कौन से लोग गए, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग गए जो कि डिस्पाइट 6-6 विजन वो खुश नहीं थे. वो या इस वजह से खुश नहीं थे कि उनके 6-6 विजन है फिर भी कोई उनको कोई मसला है, होता है ना, थोड़ा बहुत भी लेंस कैपेसिटी हो, चाहे वो आप उसे कैटरेक्ट डिफाइन करें ना करें, चाहे आपको लेंस क्लियर नजर आ रहा है लेकिन उसके 6-6 विजन के बावजूद भी हो सकता है उसे ग्लेयर हो, उसकी कॉन्ट्रास्ट सही ना हो, जो कि इज क्वाइट पॉसिबल. वो उस तरह के लोग थे या जो दवाइयों से ऑलरेडी तंग आए हुए थे, उस तरह के लोग थे. जब आप उनकी कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे उनका रिफ्रैक्टिव एरर दूर होगा काफ़ी हद तक, उनकी दवाइयाँ कम होंगी, उन्होंने तो खुश होनी है. तो दिस बिकम्स अ बायस्ड, तो दिस वॉज अ बायस. तो That's why this subjective assessment by this EQ5D was not valid. अगर आप इसको analyze करें तो इसके बाद ये graph अगर आप देखा जाए, एक तो ये था कि जो कॉले हैं वो सिर्फ UK economy के लिए थे, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू पाकिस्तानी इकानमी. पाकिस्तानी इकानमी में करने के लिए ये प्रोफेसर महर, शकील साहब, नौरीन, सादिया फरूक, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एंगेज करें हेल्थ सेक्रेटरीज को, वो एंगेज करें यूनिवर्सिटी से हेल्थ इकानमिस्ट को, एंड दिस इज़ अ गुड एक्सरसाइज, लॉन्ग लेंथी एकेडमिक एक्सरसाइज. तो वो पाकिस्तान के लिए क्या होगा वो देखी जाएगी. तो ये चीज़ ये क्या हो गया, हाँ, तो अगर क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर और भी देखा जाए तो आप ये देखें कि ये की रेंज है, ठीक है, इस ब्लू लाइन के इस तरफ जो है वो उस ट्रीटमेंट को फेवर कर रहा है और रेड लाइन के उस तरफ उस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट है. तो अगर आप ये देखें कि भाई इसमें ये जो है ये यैग पीआई को फेवर करता है और ये जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैटरिक सर्जरी को फेवर कर रहे हैं. तो अगर आप ये देखें कि जो प्राइमरी एंगल क्लोजर है और नॉन चाइनीज लोग हैं और जिन लोगों की विजन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, इन लोगों को यैग पीआई सूट कर रही थी, लेकिन जो ये जो लोग हैं जिनकी विजन ऑलरेडी कम थी 85 ETDRS से, वो लोग जिनकी यूनिलैटरल सर्जरी हुई, जिनका प्राइमरी एंगल क्लोजर था ये, और जो जो ये चाइनीज पीपल थे, ये लोग जो थे इन्होंने फेवर किया लेंस कैटरिक सर्जरी को. सो देयर आर स्टिल मेनी फैक्टर्स जो कि इन दो लाइनों के दरमियान में हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये लोग हैं, ये लोग न्यूट्रल थे. तो इसलिए हर जगह फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ चीज़ों में फ़ायदा हुआ, कुछ चीज़ों में फ़ायदा नहीं हुआ. तो असल में मैं ये दिखाना ये चाह रहा था, हाँ, तो कई दफ़ा होता है कि आपको एंगल भी नैरो नहीं होता, आप कैटरिक सर्जरी करते हैं फिर भी प्रेशर कम हो जाता है, और लोग कहते हैं जी ओपन एंगल किया 2-4 millimeter प्रेशर कम हो गया, लेकिन कई दफ़ा आप ओपन एंगल के अंदर कैटरिक सर्जरी करते हैं 10-15 millimeter ड्रॉप हो जाता है. वो क्यों होता है, वो ये होता है कि ये लेंस है, ठीक है, इसने अगर एंगल ब्लॉक किया तो प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन एंगल ब्लॉक इसकी जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर पर डिपेंडेंट है, जो वर्ट जो इसकी ये लग डायमीटर है, जो क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल डायमीटर है, वो इट कंटिन्यूज टू पुश द स्ट्रक्चर्स ऑन दिस साइड एंड इट कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ द कैनाल ऑफ श्लेम. ये देखें,
देखा क्लान ऑफ श्लेम, ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क इज हर्नीएटिंग, ये क्लान ऑफ श्लेम है, ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क हर्नीएट हुआ हुआ, ये इसकी जो हर्नीएशन है दिस इज ड्यू टू अ वेरी लार्ज लेंस, कोई आईटीसी नहीं, लेकिन उसने अंदर पुश किया। सो जब आप बायोमेट्री करते हैं एंड यू सी प्रेशर ड्रॉप्स के ऊपर 24-25 है, एक या दो ड्रॉप्स पे, कोई एंगल नैरो नहीं है, लेकिन बायोमेट्री के ऊपर 5.5 millimeter का लेंस है एंट्रोपोस्टीरियरली, आप उसका निकालेंगे यू नो कि भाई इसका प्रेशर जो है वो मिड टीन्स में आ जाना है, वो ये कॉन्सेप्ट होता है। ये दिस इज नॉट रेलिवेंट टू द ईगल ट्रायल, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब जैप ट्रायल पे। तो जैप ट्रायल ने क्या किया, ये चाइनीज प्रोविंस उधर, दे स्क्रीन्ड फ्रॉम कम्युनिटी, ये आपके क्लिनिक में नहीं आए पेशेंट, कम्युनिटी में थे। तो अबाउट 12,000 पेशेंट उन्होंने स्क्रीन किए फॉर एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, उसमें से 889 उन्होंने रिक्रूट किए और 872 रह गए। Absolutely. क्योंकि जो कैटरेक्ट सर्जरी है, जो लेंस ऑफ वॉल्यूम है उसकी, दैट इज रिलेटिव टू वाइट ऑफ द आई, अगर वाइट टू वाइट उसका 12.5-13 millimeter तक है तो वो इट कैन टेक 5.5 millimeter लेंस, लेकिन अगर उसका लेंस 11.5 वाइट टू वाइट है तो तकरीबन 5 millimeter लेंस भी उसको मसला देना शुरू हो जाएगा, उसके प्रेशराइज होने शुरू हो जाएंगे। तो दीज आर सो मैनी वेरिएबल्स का, अगर आप इन सब वेरिएबल्स को अटेंशन ना दें तो आप ट्रायल डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। तो अब ये जिन लोगों ने किया है दे आर वर्ल्ड लीडर्स, एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट, बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, लेकिन देखेंगे इनसे भी गलतियां हुई। हमारी बात ये है कि जब उन्होंने तो पब्लिश कर दिया, उन्होंने ग्लोरी ले ली, हर कोई सदका खरात नहीं करता, लोग ग्लोरी के लिए भी करते हैं, तो कई RCTs जो ये ग्लोरी के लिए भी होते हैं चाहे कोई माने ना माने। तो हमारा काम एज ए क्लिनिशियन है कि हम हर चीज़ की क्रिटिकल थिंकिंग करें, जो एविडेंस हमारे पास आया उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करें, एंड देन जो लीडर्स हैं हमारी सोसाइटी के आपकी तरह के, वो देखें कि ये क्या आप हमारी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट होती हैं कि नहीं होती। Gets more space and the more efficient drainage after the surgery in the open angle glaucoma. Do you want to give answer? So this is something that we discuss in fellowship. So. वो पहले ही से इस पे लगे, क्योंकि हुआ ये है कि जो भी पेशेंट जा रहा है और हमारे दोस्त क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि कैटरेक्ट करा लो, ग्लूकोमा सही हो जाएगा, ठीक है। एंड आई हैव सीन द पेशेंट हु हैड ओपन एंगल ग्लूकोमा, वेंट फॉर सर्जरी, उसने उसकी कैटरेक्ट निकाल दी, ठीक है, और पेशेंट जो था उसकी जो है कैटरेक्ट निकालने के बाद प्रेशर नहीं आया कम, प्रेशर स्टिल 28, ठीक है जी। अब दूसरी आंख, तो वो पेशेंट कह रहा है कि वो तो रहा था मेरी, वो सही हो जाएगी, अब उसको ओपन एंगल ग्लूकोमा है, दूसरी आंख में उसको ओपन एंगल ग्लूकोमा है, तो श्लेम्स कनाल की जो कंप्रेशन है आपने सही कर दी, लेकिन उसके जो और भी तो मसले मसाइल है, इज नॉट ओनली दैट, और हर पेशेंट के अंदर कनाल तो श्लेम तो कंप्रेस, आप एक ही जो है लाठी से सबको आंख, बिल्कुल सही नहीं कर सकते आप, तो लगाइए प्लीज। तो ये 800-900 पीपल थे और इनकी उन्होंने ये क्या किया कि दे डिड बायोमेट्री ऑफ एवरी पेशेंट, दे डिड UBM ऑफ एवरी पेशेंट, दे डिड प्रेशर्स, गोनियोस्कोपी ऑफ एवरी पेशेंट, और उन्होंने उसी एक पेशेंट की एक आंख को कुछ नहीं किया और दूसरी आंख को YAG-PI कर दी। सो इस तरह आपने कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल आर्म और ट्रीटमेंट आर्म में जो कन्फाउंडिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत कम हो गए, ठीक है। तो दिस इज वाई आई लाइक दिस ट्रायल अ लॉट बेटर, ठीक है, क्योंकि इसमें उन्होंने कन्फाउंडिंग फैक्टर्स को कंट्रोल कर दिया, भाई अब एक आंख मेरी एक आंख को करो, एक आंख को नहीं करोगे तो इट विल गिव अ बेटर इंडिकेशन कि भाई मुझे YAG-PI का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ।
तो उन्होंने क्या किया कि 3 years follow-up was planned initially. जब थ्री इयर्स गुजर गए तो उनका जी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ना ट्रीटमेंट आर्म में कोई फ़र्क पड़ा, ना कंट्रोल आर्म में फ़र्क पड़ा. मतलब the study did not reach its end points. तो they did something जो कि कभी भी RCT के अंदर नहीं किया जाता कि they applied for extension for another 3 years. और वो इस extension की वजह से they found very difficult to publish this in Lancet. बहरहाल it was allowed, it was funded, और सारे पेपर वर्क टिक बॉक्सेस करने के बाद 72 months के बाद, 6 साल के बाद उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने कहा जी हाँ जी अब फ़र्क पड़ा है. यानी 3 साल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, अब फ़र्क पड़ना शुरू हो गया. और फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि भाई 6 साल में उन 872 पेशेंट्स में से सिर्फ 5 कंट्रोल आइज में और 1 लेज़र ट्रीटेड आई के अंदर एंगल क्लोजर अटैक हुआ. इनमें से भी जो 5 थे उन 3 को उस वक्त हुआ जब उनके प्यूपल डायलेट किया, ठीक है, और ये जो हुआ था इसको भी आफ्टर प्यूपल डायलेटेशन. तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इनको तो हमने इंसाइटिंग एजेंट्स दिए तो उसकी वजह से हुआ, खुद ब खुद तो नहीं ना हुआ. अगर वो बंदा कम्युनिटी में रहता और उसको आप आई ड्रॉप्स ना डालते तो उसको ना होता, 6 साल में भी ना होता. तो दूसरा उन्होंने कहा कि IOP एलिवेशन ऑफ मोर देन 24 millimeters जो था इन 2 कंसेक्यूटिव विजिट्स. तो कंट्रोल आइज में 5 थे, LPI ट्रीटमेंट 3, 850-900 पेशेंट्स में से ये सब इतना सा रिस्क था. तो ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं था. जहाँ फ़र्क पड़ा वो ये था कि पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकीज फॉर मोर देन 1 o'clock, वहाँ पे जो जिन कंट्रोल आइज थे उनमें डबल थे, वो कंट्रोल आइज में 2x as many में. जी जो कंट्रोल किया और वो नहीं किया उन पेशेंट को, दे वर दे प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट और दे वर प्राइमरी एंगल क्लोजर, दे वर ऑल प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट है ना, सस्पेक्ट, क्योंकि आपने उस पर एंगल क्लोजर लिखा है ना, वो सर गलती हो गलत है ना, हाँ तो सस्पेक्ट है ना, इस वजह से फर्क नहीं पड़ा. सस्पेक्ट एंड दे वर इम्पोर्टेंटली दे वर नॉट योर क्लिनिक पेशेंट्स, दे वर स्क्रीन्ड फ्रॉम कम्युनिटी. अच्छा, ये क्रिटिकल एनालिसिस का पॉइंट आ जाता है, अभी उस पर आते हैं. सो जो चीज़, सो होल ड्राइवर फॉर 6 years वॉज एक्चुअली पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकीज, एक्सक्यूज मी. तो अब उन्होंने रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा, तो उन्होंने कहा जी कि भाई नंबर नीडेड टू ट्रीट जो है फॉर द सस्पेक्ट प्राइमरी, इस दोनों पेशेंट थे इसमें, एंगल क्लोजर सस्पेक्ट भी थे, एंगल क्लोजर डिजीज भी थी, दोनों किस्म के पेशेंट थे. नहीं सॉरी, आपने कंफ्यूज करे, सारे प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट थे. तो हाँ सॉरी, दोनों किस्म के पेशेंट थे, प्राइमरी एंगल क्लोजर भी था, प्राइमरी सस्पेक्ट भी थे, डिजीज भी थे, दोनों थे. तो अब उसमें उन्होंने कहा जी कि नंबर नीडेड टू ट्रीट, नंबर नीडेड टू ट्रीट जो होता है वो ये होता है कि कितने पेशेंट्स आप ट्रीट करेंगे तो उसमें से एक को फायदा होगा, ठीक है. तो उन्होंने कहा जी कि भाई अगर तो प्राइमरी एंगल क्लोजर क्या कहते हैं सस्पेक्ट था तो 263 पेशेंट्स को 1 साल के अंदर आप लेजर PI करेंगे तो उसके बाद एक बंदा ऐसा होगा जिसका आपने एक्यूट एंगल क्लोजर अटैक प्रिवेंट किया. यानी इतना ही वर्कलोड के बाद सिर्फ एक बंदे की आपने बचाई, इतने सारे रिसोर्सेज लगे, डॉक्टर का टाइम लगा, क्लिनिक्स का टाइम लगा, बहुत कुछ लगा और सिर्फ एक बंदे को बचाया, क्या ये फाइनेंशियली वायबल है? लेकिन जिनकी डिजीज़ थी, जिनके और जो पेशेंट जिनके प्रेशर थोड़े से ज़्यादा थे उनके अंदर भी 44 पेशेंट्स ओवर 6 years आप ट्रीट करें तो फिर बेनिफिट होता एंगल क्लोजर अटैक बचाने से. तो उन्होंने ये किया कि भाई जो इस तरह के पेशेंट्स हैं एंगल क्लोजर डिजीज़ और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के, इनकी अगर आप लेज़र आयरिडोटमी करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखने पड़ेंगे टू बेनिफिट अ वेरी माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स. तो इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई अनलेस अनटिल कोई प्लस डिजीज़ का ना हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अनलेस अनलेस प्रोफाइलेक्टिक लेज़र PI इन प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट हैड नो प्रूवन बेनिफिट ओवर द प्लान 3 years ट्रायल, दिस वाज अ सिग्निफिकेंट बट स्मॉल बेनिफिट ओवर 6 years, नंबर नीडेड टू ट्रीट इज वेरी लार्ज, 44 फॉर प्राइमरी एंगल क्लोजर डिजीज ओवर 6 years, 126 फॉर प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ओवर 10 years. So offer PI to only highest risk people. Highest risk people कौन है? Only I.
people who are diabetics who need continuous dilatation, people who are likely to be lost to follow-ups, jo ke aap logon mein zyada common hai, people who are on psychoactive drugs, jo ke anti-migraine drugs hain, kya kehte hain, tricyclic antidepressants hain, anti-anxieties hain, asthma ki tablet, asthma pumps hain, anti-allergics, kuch thode arse ke liye anti-allergic doesn't matter, lekin jo year on jo anti-allergics pe har waqt rehte hain wo log, these are high risk patients, uske andar aap beshak yak pi kar dein, lekin baat ye hai ki aap yak pi kyun kar dein, kya aapne pehle dekha ke bhi isko relative pupillary block tha, aise utha ke kar diya, to wo we will discuss that. Ab isi tarah ek aur ye sare patients jo the community se the, hamare paas jo clinic mein patient aata hai wo ek already diseased patient hota hai, unko glaucoma bhi already hota hai, to ye zap trials ke jo ke community se tha ke asymptomatic suspect patients hai unke aur usme bhi trial mein deficiency ki humne ye bhi nahi dekha ki unko relative pupillary block hai ya nahi hai, aur hum unko apne patients ko us tarah hum nahi treat kar sakte, क्योंकि हमारे पेशेंट जो क्लिनिक्स में आते हैं उनके प्रेशर भी ज़्यादा होते हैं, उनकी नर्व्स भी डैमेज होती हैं एंगल क्लोजर के अंदर, चाहे एक्यूट अटैक हो या ना हो. तो ये एक एनालिस्ट ट्रायल है, दिस इज रिलेटिवली बेटर, क्योंकि इन्होंने चाइनीज पेशेंट्स थे और क्लिनिकल पेशेंट्स थे, तो उन्होंने कहा इनके एंड पॉइंट्स वो मोर के आई ओ पी राइज होता है, पेरिफेरल इंटीरियर साइक, एक्यूट एंगल क्लोजर और या इवन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा. तो इन्होंने भी यही कहा कि भाई ये लोग भी हैं जो कि ऑलरेडी डिजीज क्लिनिक के अंदर आ रहे हैं, वहाँ भी नंबर नीडेड टू ट्रीट इज 20, दो दिस इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द जैप ट्रायल, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज नंबर. ऐसे लोगों के अंदर भी आप यैक पी आई करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स करने के बाद शायद आप एक दो पेशेंट्स का फ़ायदा कर सकें. तो बात तो उधर ही आ गई ना घूम फिर के, कि भाई लेज़र पी आई जो है वो हर किसी को बेनिफिट नहीं करती. तो आई वुड नॉट गो इन टू दीज डिटेल्स, सारे सो रहे हैं. तो जब व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग एंगल क्लोजर तो यू विल कम अप विद ऑल दीज कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स, ये ला एरिया तो वो ला एरिया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, दे दीज आर पैरामीटर्स, इनमें इनका एविडेंस इज फॉर पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए दे आर गुड, बट वेदर दे आर क्लिनिकली एप्लीकेबल बहुत मुश्किल काम, ये नहीं होता. तो होता क्या है कि अब आपके पास या तो UBM होगा, जब आप फंस फंस गए हैं, जब आप गोनियोस्कोपी कर रहे हैं और गोनियोस्कोपी के बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देन यू गो फॉर एंटीरियर सेगमेंट OCT और UBM, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो लुक एट द एंगल्स. तो आप यहाँ पे देखें कि ये एयर ब्लैक एरो जो है स्क्लेरल स्पर को बता रहा, इससे ऊपर ट्रेबिकुलर मैशक शुरू हो जाएगा, यहाँ कोई ITC नहीं है. यहाँ पे आप ये देखें कि ट्रेबिकुलर मैशक के साथ टच हो रहा है, ITC है, लेकिन जो एरिया ऑफ ITC है वो इज़ वेरी स्मॉल, इसको लो ITC कहते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे जो है ट्रेबिकुलर, वो यहाँ पे ट्रेबिकुलर मैशवर्क है यहाँ पे करके कहीं, और इतना बड़ा सा ना सिर्फ स्क्लेरल स्पर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके वो ITC हुआ है, दिस इज़ अ लॉट ऑफ, इसे कहते हैं हाई ITC, को बहुत ज़्यादा एरिया टच कर रहा है. यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ऊपर तो ITC है, लेकिन यहाँ नीचे जो है वो इस ओपन, कैन यू सी, ये आगे क्लासिफिकेशन करना शुरू हो जाते हैं, वाई काइंड ऑफ एंगल, एक्स का, वो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि ये लोग हैं जिनको आप गोनियो करते हैं तो आप देखते हैं ITC चारों क्वाड्रेंट्स में ITC है, लेकिन उनका प्रेशर 16 है, वो इसलिए क्योंकि ऊपर से तो वो बंद है या लेकिन जहाँ ट्रेबिकुलर मैशवर्क है वो खुला हुआ है, तो जो थोड़ा बहुत फ्लूड जाता है इट्स गोइंग आउट थ्रू द ट्रेबिकुलर मैशवर्क. तो ये प्लेटो आयरस सिंड्रोम, तो अब ये देखें, दिस इज वाई गोनियोस्कोपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गोनियोस्कोपी अगर आप लाइट के अंदर करते हैं, आपकी स्लिट लैम्प की, कमरे की लाइट ऑन है, स्लिट लैम्प की लाइट प्यूपल में पड़ रही है, आपको ओपन एंगल लगेगा. आप कमरे की लाइट कम कर दें, स्लिट लैम्प की लाइट प्यूपल से ऊपर ले जाएं, इट लुक ब्लॉक्ड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू डू गोनियोस्कोपी यू कीप द लाइट्स डाउन. दिस इज़ रिलेटिव पीपली ब्लॉक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जहाँ पे आपको गोनियोस्कोपी के बाद समझ नहीं आ रहा, जब आप वो करेंगे ASOCT या UBM जो भी करेंगे, तो आप ये देखेंगे इसका प्रोफाइल कितना एंटीरियरली, ये जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आयरस है इसका प्रोफाइल है एंटीरियरली कॉन्वेक्स है, यानी कि इस जगह पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ से रिलेटिव पीपली ब्लॉक हुआ है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है. अब अगर आप याग पी आई करते हैं तो ये ड्रॉप करेगा, आपने एक सेंसिबल एजुकेटेड डिसीजन लिया. अब वापस आ जाते हैं उन्हीं केसेस के अंदर, इतना कुछ करने के बाद अब क्या करेंगे इधर
इस केस को. इसका देखें, सिलरी बॉडी इज लार्ज, यू कैन स्टिल सी अ सिलरी सल्कस. आईएस का प्रोफाइल इज बैकवर्ड्स, यानी रिलेटिव पिपरी ब्लॉक तो है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, इसका याग पी आई तो करेगा ही नहीं काम. ठीक है, अब बात यह है कि इसका आपने देखना कि बायोमेट्री आप करते हैं, आजकल तो हर कोई लेंसस्टार या आयोल मास्टर करता है, तो उसके ऊपर आपको एल टी लिखा हुआ है लेंस थिकनेस. जो आपकी अगर लेंस थिकनेस ज़्यादा है तो आपको पता होगा कि भाई ये चीज़, ये जो कन्फिगरेशन सारी सिलरी बॉडी ऊपर की तरफ गई हुई है, इट्स पॉसिबली बिकॉज इट्स रेस्टिंग ऑन टू दी लेंस जो कि एज के साथ साथ बड़ा हो गया. तो यहाँ पे अगर इस पेशेंट को आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं आपको रेगुलरली चेक करूँगा, आपने रेगुलरली यू नीड टू इंश्योर दैट यू कम टू मी. अगर आप फॉलोअप नहीं रख सकते, यानी अगर आप प्लस डिजीज़ के अंदर हैं, फिर आप कैटरेक सर्जरी कर दें इसकी, क्योंकि ईगल ट्रायल ने ये शो किया है कि इट इज़ सेफ इन 6665 वर्जन. अगर प्लस डिजीज़ है तो आप कर दें, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव पिपली ब्लॉक तो है नहीं, लेज़र तो करने का फ़ायदा कोई नहीं. बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप कैटरेक सर्जरी कर सकते हैं क्योंकि प्लस डिजीज पेशेंट है. अगर ये प्लस डिजीज पेशेंट नहीं है और आपके पास हर दफ़ा आ सकता है, आपका रिश्तेदार है, तो यू सिट ऑन हिम. ठीक है, इसी तरह अब ये अगर ये पेशेंट जो है, इसका देखें जो बेस ऑफ द आयरिस है इज स्मॉलर देन द लिम्बस, ये एक पैरामीटर होता है. तो इसका ये मतलब है कि इट्स अनलाइक, अगर ये बेस जो है ना, ये चौड़ी हो ना बेस, और जितना ये पोस्टीरियरली इंसर्टेड हो उतना हाई रिस्क होता है एंगल क्लोजर का. तो ये पोस्टीरियरली तो इंसर्टेड है आयरिस, लेकिन इसकी बेस बहुत पतली है. ऐसी पतली बेस इज अनलाइकली टू गो इन, तो इसका रिस्क थोड़ा है. और इसका प्रोफाइल फ्लैट है, अगर आप इसकी पीआई करते हैं इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा. यस सर, ठीक. अब जो सिलरी बॉडी सिस्ट हैं या आरएस सिस्ट हैं, इनका तो मुझे नहीं, खुद भी नहीं पता क्या करना है. तो कर लें याग पी आई तो अब कर लें याग पी आई या इरिडोप्लास्टी कर दें या नहीं, वो कुछ नहीं, वो इस यूजली दी क्लियर होता है. हाँ, क्लियर होता है. ये ना हो कि बाद में वो एंगल ब्लॉक कर दे जाके. नहीं, 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 इस क्लियर फ्लूइड. लेकिन इसमें ये सिलरी बॉडी, ये तो हमें एक सेजिटल व्यू मिला ना, ट्रांसेक्शन व्यू मिला. ये वेदर दिस आयरिस सिस्ट इज ऑल 360 डिग्री और कन्फ्लुएंट विद अदर्स, वी डोंट नो. तो क्या एक जगह याग पी आई करने से इतना एंगल ओपन हो जाएगा कि वो आपको फ़ायदा हो, आई डोंट नो. लेकिन जो सिलरी बॉडी सिस्ट हैं, जो सिलरी बॉडी सिस्ट हैं, ये दे कॉज रोटेशन ऑफ द सिलरी बॉडी एंड देन दे कॉज फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसकी वजह से आप ये देखें फ्लैटो आयरस है, ये ऐसे स्टीप राइज किया देन फ्लैट हो गया. तो अगेन इधर आई कैन, आई विल सिट डाउन, आई विल ऑब्जर्व, आई विल डू नथिंग. प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हुआ या फिर नॉर्मल प्रेशर में डिस्क खराब होनी शुरू हुई, मीन्स इंटरमीडियट स्पाइक्स ऑफ प्रेशर हो रहे हैं, देन आई विल थिंक कि भाई इसकी मैं यहाँ पर रेडियोप्लास्टी कर दूँ. ठीक है, तो यू आप नॉट सेंसिबल डिसीजन. नाउ ओवर हियर यू कैन क्लियरली सी प्रेशर इफेक्ट, सिलरी बॉडी प्रेशर की वजह से कितनी छोटी होगी. और स्क्लेरल स्पर टू स्क्लेरल स्पर एक लाइन खींचें और देन इंटीरियर, ये आप किसी भी मशीन पर कर सकते हैं. और देन यू टेक अ वर्टिकल लाइन इन द मिडल, ये आपको इसको कहते हैं इंटीरियर लेंस वॉल्ट हाइट. लेंस वॉल्ट हाइट ये बायोमेट्री मशीन्स में भी अवेलेबल होती है, ये पेंटाकैम में आई डोंट नो वेदर इट्स अवेलेबल और नॉट, ये ASOCT मशीन्स के अंदर भी अवेलेबल होती है. UBM करें तो मैनुअली करते हैं, ये मैंने मैनुअली किया हुआ. लेकिन आई कैन सी प्रेशर इफेक्ट्स के भाई लेंस ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, सिलरी बॉडी को पिचका दिया है. और जो आयरस का भी प्रोफाइल देखें आप, इधर देखें आयरस हेल्दी कितने हैं, यहाँ पर बेचारा वो पिचक गया, उसको इतना ज़्यादा उसने प्रेशर दिया हुआ है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली लेंस फेकोमॉर्फिक एलिमेंट है जो कि इज लीडिंग टू फिजिकल चेंजेस विद इन द आई बॉल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. यहाँ पे आप कैटरेक सर्जरी करें, जब एंटीरियर लेंस वॉल्ट, नॉर्मल लेंस वॉल्ट हाइट होती है 350 कहते हैं, 500-600 भी चल जाता है. लेकिन आप यहाँ पे अगर गौर से देखें 1.02 मिलीमीटर, यानी 1000 माइक्रॉन से ऊपर है, तो अब 3-4 टाइम्स ज़्यादा हुआ, जिसको आप निकालें बाहर कैटरेक को. यहाँ पे आप ये देखें कि प्रोफाइल इज एंटीरियरली कॉन्वेक्स, इसका ये मतलब है कि भाई अगर आप यहाँ पे याग पी आई करते हैं तो इट कैन ओपन अप,
एक लॉजिकल थिंकिंग है, लेकिन साथ देखें आरएस की थिकनेस चेक करें, इतने थिक आरएस के अंदर यैक पीआई मैं तो नहीं भाई करूँगा। या तो आप पहले उसको आर्गन के साथ पतला करें और फिर उसके थ्रू करें ऐसे में, और ये भी देखें इसकी बेस कितनी थिक है आरएस की। आरएस की बेस थिक है, वेरी पोस्टीरियरली अटैच, एक्सिलरी बॉडी भी फॉरवर्ड रोटेटेड है, रिलेटिवली ब्लॉक भी है। सो दीज आर, दिस इज अ केस विच इज स्लाइटली हाई रिस्क। अगर इसकी प्लस डिजीज नहीं भी है तो आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन हिम, आई विल रादर डू समथिंग टू इट। तो अगर ऐसे में ये चीज़ 30 साल की उम्र में क्यों नहीं उसको हुई, आप 50 साल की उम्र में क्यों हो रही है? द ओनली पैरामीटर दैट रियली चेंज वॉज अ लेंस। आई विल डू बायोमेट्री एंड आई विल सी इफ लेंस इज 4.6, 4.7, 4.8 पर जा रहा है, आई विल डू कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है, इट मे नॉट ओपन अप द एंगल कम्प्लीटली, बट इट विल नो लॉन्गर बी अ रिस्क फॉर एक्यूट एंगल क्लोजर। चाहे एंगल नैरो रहे सारी जिंदगी, उसने एंगल क्लोजर अटैक तो नहीं ना करना, फिर हमें क्या? सो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू से इन ट्रैब के प्रैक्टिस डज नॉट मेक अस परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स आवर हैबिट्स परमानेंट। अगर आप गलत हैबिट सीख लेंगे तो वो ही परमानेंट हो जाएगी। अगर आप पहले परफेक्शन सीखें फिर उसको अपनी हैबिट बनाएं बाय रेपिटेशंस, तो देन यू बिकम एन एलीट परफॉर्मेंस क्लिनिशियन और एलीट परफॉर्मेंस सर्जन। सो बाय जस्ट रीडिंग आरसीटी जस्ट बिकॉज इट्स क्लास वन एविडेंस डजेंट मीन के इट्स राइट, इट डजेंट हैव मिस्टेक्स, इट्स अप्लीकेबल टू योर सोसाइटी। तो वो सारा गौर से पढ़ें। तो ये माई मेंटर इमरान मसूद सेज, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू थिंग्स राइट, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी डू नॉट डू थिंग्स रॉन्ग इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये चीज़ प्रोफेसर पीटर शॉ, जो कि इमरान मसूद का भी मेंटर है, एंड ही इज़ द रीजनल सुप्रा रीजनल रिफरल, उसके पास जाते हैं, यानी पूरी दुनिया से कॉम्प्लेक्स केसेस और उस इलाके से सारे जो पढ़े लिखे कंसल्टेंट से केस ख़राब होकर उसके पास जाते हैं। मैनी में वो कैट्रिक सर्जरी करता है एंड स्टिल सिंस 1999 ही नेवर हैड अ पीसी रेंट सिंस उसकी। वो कहता है क्योंकि ही देन ही स्पेंड्स टाइम ऑन पेशेंट्स, पूरे होलिस्टिक अप्रोच होती है। And the reason is, you need to know what you're doing. अब हमें हर चीज़ तो नहीं पता लग सकती, लेकिन जितना पता लग सकती है उस लिहाज से अपनी अकल तो लड़ानी चाहिए, सिर्फ ट्रायल्स पर नहीं रहना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि हमने सब ने ओथ लिया था जब हमें डिग्री मिली थी, हिपोक्रेटिस ओथ, कि प्रीमियम नॉन नेसेरे, विच मीन्स एज टू द मैटर ऑफ डिजीजेज फर्स्ट डू नो हार्म। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सारी रात अपनी, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई लीव? और जिन्होंने ट्रेबिकुलेक्टमी करनी है, डॉक्टर सादिया फरूक भी इधर हैं और डॉक्टर दोनों प्रोफेसर हेयर और प्रोफेसर आयशा शकील भी इधर हैं, जिन्होंने इनके पास हैं टू कैरी ऑन द माइक्रोस्कोप एंड द रिलीजेबल सूचर्स जिन्होंने करने हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक कॉमेंट कि यूरोप वाले तो अब ईगल बने हैं, तो हम पहले से ईगल हैं, तो हमारे बहुत सारे लोग हर चीज़ के इलाज कैटरेक्ट सर्जरी से करते हैं। हो ना हो, इसी तरह किसी को अपेंडिसाइटिस हो या ना हो, उसकी अपेंडिक्स ज़रूर निकालते हैं। गॉल ब्लैडर में उसको वो है कि नहीं है, वो ज़रूर निकाल। तो बट इट इज़ गुड टू सी के नाउ वी हैव गॉट द एविडेंस, बट इट वॉज वेरी गुड एनालिसिस। एंड इट्स नॉट ओनली दैट वी लर्न अबाउट ग्लोकोमा, बट वी ऑल्सो लर्न अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द ट्रायल्स। And especially for those who are going for exam, I think we should all go through the major trials, because when you are being discussed in College of Physician and Surgeon exam with a seasoned examiner, they go through and they give you credit if you can quote about the established trials, especially like this. Okay, thank you very much, everyone. So, yahan pe releasable suture wale kitne haath khada kare? कोई नहीं आया वापस, चले गए फिर चले। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।